वेलकम टू आईबर इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद होगी सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो आपके लिए कोर्स लेकर आए वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। आईटी की फील्ड में बेहतरीन कोर्स में से एक कोर्स है। बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत अच्छा फ्यूचर ब्राइट करने के लिए। अगर बच्चे बच्चियाँ हमारे कोर्स करना चाहते हैं, हमारे पास आए, हम लोग आपको प्रैक्टिकली कोर्स करवाएंगे। आईबर इंस्टीट्यूट वाहिद इदारा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रजिस्टर्ड है और यूके और कनाडा से भी रजिस्टर्ड है। हम लोग ISO सर्टिफाइड है। हमारे इंटरनेशनली तमाम चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस कोर्स को करने का तरीकेकार क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, कोर्स कंटेंट क्या है। सबसे पहले तो बात करें कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैट्रिक भी आप कर सकते हैं। मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, अंडर मैट्रिक हैं, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है, कोई एज की लिमिट नहीं है, कोई एजुकेशन बैकग्राउंड की लिमिट नहीं है, कोई खास पाबंदी नहीं है। ये स्किल कोर्स है। इसको सीखने का फायदा ये है कि आने वाले वक्त में या फ्यूचर में आप अपने स्किल्स को एनहांस करके अर्निंग हासिल कर सकते हो। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी कोर्स कर रहे होते हैं तो बीच में ही वो काम करना भी स्टार्ट कर देते हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेस की डिमांड है, ठीक है जी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है। आईटी की फील्ड में आप फ्रीलांसिंग, अब तो घर बैठे हुए लोग हर काम कर रहे हैं, तो आप ये काम बेहतरीन तरीकों से कर सकते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 से 3 महीने से स्टार्ट होती है और 6 महीने तक चलती है। डिपेंड करता है स्टूडेंट की नॉलेज और उसकी कैपेबिलिटी और उसके स्किल्स के ऊपर। हम लोगों का काम है कि चाहे वीक स्टूडेंट है और चाहे शार्प स्टूडेंट, हमने उसके अंदर स्किल्स निकालनी है, हमने उसके अंदर स्किल्स पैदा करनी है ताकि वो जब भी फील्ड में जाए काम करे तो उसे मार ना खानी पड़े। ऐसे बच्चे बच्चियां जो अभी मैट्रिक पास करके आई हैं, मैट्रिक अभी कर रहे हैं या अब ग्रेजुएट या इंटरमीडिएट हैं, आप इस कोर्सेज को कर सकते हैं ताकि आप अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकें और रिजल्ट जल्दी से अपना रोजगार कमा सकें। इस कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो मैंने आपको बताई है। हम लोग ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आईपीएन इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन सेशंस होते हैं, हम लोग प्रैक्टिकली क्लासेस करवाते हैं, थ्योरेटिकल कोई नहीं काम करवाते, सारा प्रैक्टिकल हमारा, ठीक है जी। आप हमारे प्रॉपर लैब मौजूद है यहाँ पे, फिजिकली आते हैं, हम लोग लैब के अंदर बिठा के आपको क्लासेस करवाते हैं। आपको कंप्यूटर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये नहीं है कि एक कंप्यूटर में 5-5, 6-6 बच्चे घुसाए हुए हैं और उसी में बेचारे को ट्रेनिंग करें। हर एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल क्लास होती है, इंडिविजुअल आपको कंप्यूटर दिया जाता है ताकि आप अपने प्रैक्टिकली पूरी तरीके से कर सकें। कोर्स के कंटेंट में चले तो हम लोग बेसिक कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं, फिर टाइपिंग आ जाती है, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, टाइपिंग उर्दू और इंग्लिश है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, आपका क्या कहते हैं इसमें एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इनपेज, ये सारी। फिर आपको वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, आपको वेब डेवलपमेंट में लैंग्वेजेस सारी सिखाते हैं, वेब डिजाइनिंग की लैंग्वेजेस सारी सिखाते हैं। फिर आपको प्रोग्रामिंग भी सिखाते हैं इसके अंदर, तो प्रॉपर हर एक फील्ड के बारे में आपको सिखाते हैं ताकि जब आपने किसी भी जगह पर जाके आप जॉब के लिए जाते हैं, आप इंटरव्यू देते हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि जनाबी अली आपको स्किल्स क्या आती हैं। पहले अगर आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। आप अगर ग्राफिक का काम करना चाहते हैं, आप किसी का लोगो बनाना चाहते हैं, किसी की डिजाइनिंग करना चाहते हैं, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। आप किसी के लिए वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग का काम करना चाहते हैं तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। हमारे पास आए, अपना कीमती वक्त निकाल के हम आपकी बेहतरीन रहनुमाई भी करेंगे, आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन कौन से तरीके, कौन कौन से